आज मौसम एकदम से क्लियर है, धूप लगी हुई है और नीचे चंचल, गौरी और कुकू घास खा रहे हैं। देखो जरा सुबह बना रही है क्रिसमस ट्री डेकोरेशन, क्योंकि कल है क्रिसमस और जब ये क्रिसमस, जब ये ब्लॉग आएगा तब तक तो क्रिसमस हो भी चुका होगा, क्यों सुबह है ना। लेकिन आपने कुछ खास नहीं बनाया सुबह, कैसे काटा आपने इसको? कोई बात नहीं, करो करो डेकोरेट और भी लगाओ इसमें, बहुत सुंदर है, बहुत सारी सीट में चिपक नहीं रहा। मैंने तो इसको बहुत सुंदर बनाऊंगी पर चिपक नहीं रहा, ये कैसे कुछ नहीं चिपक रहा इस पे, ये इस पे लगी हुई थी ना वो, ये व्हाइट वाली। चलो पूरा कंप्लीट करो इसको, ये जो रेड पे लगी है पर ये कैसे चिपकाऊं मैं, इन पे तो कुछ नहीं लगा, बाकी किसी रेड पे लगी है, रेड पे ही लगा है सिर्फ पेपर, ग्रीन पे नहीं लगा है। इसको तो मैंने स्टेपल किया ग्रीन को, ये मैंने बर्थडे कैप से निकाला, व्हाइट में भी नहीं लगा है, येलो में भी नहीं लगा है, ब्लू में भी नहीं लगा है। इसकी नहीं लगती थी थोड़ी ना होता कुछ, इसकी थोड़ी लगती है, काटने पड़ेंगे सिबा को, सुंदर बनाएंगे सिबा के बाल, ऐसे काटते हैं ऐसे कुछ इसमें क्या है। अरे काटने सिबा बाल बहुत बड़े हो गए हैं, देखो दादा देखो, ये देखो देखो, दो 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 दादा को तो लग नहीं रही है, देखो शिवा को भी नहीं लगेगी, इसकी नहीं लगती देखो, ये देखो नहीं लगती, देखो ये देखो, वाह ये देखो कितने सुंदर से कट रहे हैं शिवा के बाल, देखो ये देखो, इसकी थोड़ी आया तू, बढ़िया लगती है इसकी, देखो ये देखो, ओए ये देखो, ओए ये देखो, ठहरो देखो कितने अच्छे, देखो कितने अच्छे कट रहा है, वो तो बोलेगा ये कौन है नीचे रह गए थोड़े यहाँ रह गए कर गए, ठहर जाते मुंह बंद रखो, कितने सुंदर बाल बन गए सी, बंद रखो मुंह, बाल उठते हैं कैसा बना शिवा, अच्छा टकला, ये देखा अच्छा टकला बन गया, ये कितने बड़े बड़े बाल है, कैसा लग रहा है बताओ, कान के पीछे काट या ऐसे काटेंगे, नहीं इसी से काटेंगे, रुक जा इसी से काटेंगे, तो तो रहने ठीक है, इसी से काटेंगे, मशीन से काटो, मशीन ठीक है ठीक है, अच्छा तो मशीन, क्या बन रहा है? तो ये अभी सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बालों की कटिंग हो रही है, पहले उन्होंने आपने देखा जैसे शिवा के बाल काटे, फिर उसके बाद पिताजी के बाल काटे जा रहे हैं और उसके बाद अभी इनके बाल भी काट रहे हैं, मशीन का खूब उपयोग हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पर बना रही हूँ वो क्रिसमस ट्री, ये शिवा की एक्टिविटी थी एक्चुअली स्कूल से, और ये ब्लॉग मेरा काफ़ी लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी। तो पहले सुबह बना रही थी लेकिन उसको बनाना नहीं आ रहा था, फिर बोलती मम्मा कि मुझे नहीं आ रहा बनाना, मुझसे ठीक नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे बोल रही थी वो ऐसे ही कि मुझसे नहीं बन रहा है, मैंने कहा बस ऐसे ही, क्योंकि ना ग्लू नहीं था इधर तो इस वजह से उससे बन नहीं पा रहा था। शिवा पकड़ो अपना, मैरी क्रिसमस बोलो, हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर से, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, ये रेड शर्ट इसको बनाएंगे अभी, ठीक है? वो गिर डॉन न्यू स्टाइल, दिखाओ दिखाओ इधर आओ, दिखाओ जरा, मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। वैसे तो इस ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो गई है लेकिन अभी फिर से आपका स्वागत एक बार कर लिया, क्योंकि फेस टू फेस जब बात होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की अभी मैं कहाँ जा रही हूँ, आज वैसे कोई मूड नहीं था जाने का लेकिन अचानक से उन्होंने बोल दिया, मतलब क्या था ना पिछले कल भी हम गए थे तो इनका चेकअप हुआ नहीं था, तो आज फिर से सोचा कि चलो, इन्होंने बोला कि चलो जैसे पोस्ट ऑफिस का काम था वो हमारा हुआ नहीं, वही जल्दी जल्दी में सारे काम निपटाने होते हैं और हर बार का कोई डायलॉग कि लेट हो गए हैं। टाइम बताऊँ आपको तो 2 बजने वाले हैं, अभी दोपहर के सुबह की क्लास लगी थी और शिवा अपने दादा के साथ हैं, उसके दादा घर पर हैं। वैसे पहले दोनों मतलब मेरे ससुर और ये जाने वाले थे तो बाद में पिताजी ने मना कर दिया जाने को, तो इसलिए बस फिर मैं रेडी हो गई इनके साथ, मैंने कहा चलो फिर चेकअप करवा लेते हैं और मैं जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ, सिर्फ
मुझे लगता है हार्डली मैंने कहीं 10 मिनट लगाए होंगे तैयार होने में। इतना स्लिपरी है क्योंकि वो यहाँ से सूखी नहीं है, तो मेरे जूते भी स्किट हो रहे हैं। हाँ जी वाले जूते भी स्किट। फिर क्या बोला आपने? मेरी जाने वाली स्कूटी में ठंड जाऊंगी सारी। अरे तक लो पर्स लो आगे। फिर आपने बंदर स्कूटी की सैर हो रही है। क्यों स्कूटी चलाने वाले क्या चले गए आगे दिख रहे ना? दिन को चले थे शाम हो गई। हाँ दिन को चले थे शाम हो गई। शाम को ही बताया आपने दोपहर के टाइम। बस अभी तो थोड़ी देर में। तो अभी हम पोस्ट ऑफिस के अंदर से निकल रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ क्योंकि सारे जो काम होते हैं ना वो 2 बजे तक ही होते हैं, तो इस वजह से हम निराश होकर यहाँ से निकल रहे हैं। फिर तो पोस्ट ऑफिस से हम आ गए थे नीचे हॉस्पिटल की तरफ को। स्कूटी का ये फ़ायदा रह जाता है ना कि वो किसी भी रोड से निकल जाती है। तो बस आजकल ये है कि थोड़ा सा ठंडने का काम होता है, जैसे आजकल दिन दिन को तो ठीक है लेकिन सुबह शाम जब शाम हो जाए ना तो बहुत ठंड लगती है। और यहाँ पर मंकी भी बैठे थे। हॉस्पिटल में हम पहुँच गए हैं अभी, यहाँ पर मंकी बैठे थे, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं ना बार बार इनको यहाँ पे चिढ़ा रही हूँ कि बाल दिखाओ अपने, क्योंकि इनके आपने देखा ही होगा आगे से बाल थोड़े से खड़े रहते थे, मतलब इनको थोड़े लंबे काटने थे आगे से, तो पिताजी ने पूरे ही काट दिए, तो वो इनको थोड़ा सा ऑड लग रहा था। तो देखिए फाइनली हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल में और यहाँ पर पर्ची वगैरह हमने बना दी है। उसके बाद थोड़ी देर 10 मिनट उन्होंने बोला कि बाहर वेट करो आप डॉक्टर, जैसे धूप सेक रहे हैं। तो फिर उन्होंने चेक कराया। एक्चुअली इनके कान में भी थोड़ी दिक्कत है कि कान में भी प्रॉब्लम है, तो बाद में डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी हड्डी बड़ी हुई है नाक की, ये जैसा इधर दिखा रहे थे मुझे भी कि इस तरफ को बड़ी हुई है हड्डी। फिर उसके बाद कुछ इनका एक्सरे वगैरह था करवाने को, तो वो भी यहाँ पर किया एक्सरे वगैरह। यहाँ पर देखिए एक्सरे हो रहा है इनका। और इतना मुझे पहले लग रहा था कि जैसे या तो हड्डी वगैरह बड़ी हुई होगी या फिर मांस वगैरह बड़ा हुआ, तब ज़्यादा छींकी की दिक्कत आती है। एक्सरे इज इन योर हैंड। तो एक्सरे भी देखिए ले लिया। फिर बाद में डॉक्टर ने यहाँ पे लगा के बताया कि ये इस तरह से इनकी हड्डी बड़ी हुई है एक तरफ को। और फिर मैं घर में चल के आपको बाकी पूरी डिटेल बताऊंगी। यहाँ कुछ दवाइयाँ वगैरह लिखी थी। बोल मेहमान आ रहा है आगे से। खुजली खुजली हो रही है देखो उसको। बहुत सारे आ गए। चलो खाली है हाँ बहुत छोटे बच्चे थे ये। ओ मेरे हाथ से जो ले गए थे मैं कैसे देख। ये बेबी छोटा बेबी हाँ नहीं डॉन नहीं है ये काहे का डर। तो हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद यहाँ पर कुछ सुबह और शिवा का सामान भी था, वो स्टेशनरी शॉप से ले रही हैं। कुछ इनकी जैसे स्क्रैप बुक वगैरह थी वो ले रही हूँ। और उसके बाद हम इसका कुछ और मटेरियल भी था निकालने को नेट से, वो भी निकलवाया। और यहाँ पर ना मतलब इतना जाम लगा हुआ था नीचे तक, पहले लगा कि क्यों लगा हुआ है जाम, एक साइड से गाड़ियाँ छोड़ रहे थे, तो बाद में पता चला जैसे पेड़ काट रहे हैं उस वजह से है। अबे है क्या मिल जाएंगे बच्चे की, मतलब एक 10 साल की लड़की के लिए चाहिए ना, एक 5 साल के लिए। ये 5 साल के नहीं, ये 5 साल के कोई आएगी। कितने का ये? ये 100 के 3 जोड़ी। एक 2 जोड़े हैं ये, एक जोड़ी और दे देंगे। 100 के 3 जोड़े और इससे बड़ा, इससे बड़ा ये होगा। ये कितने जोड़े हैं? 100 के 3 भी हैं। ऊपर से ज़्यादा खुली है ये ना, ये 3 जोड़े हैं। 3 हैं, 2 हैं, चलो 3 दे दो। तो उसके बाद देखिए सारे काम हो गए, अब निकल रहे हैं हम घर की तरफ। और यहाँ पर काफ़ी देर रुकना पड़ा, देख रहे हो आप जाम कितना ज़्यादा लगा है। लेकिन एक अच्छी चीज़ रही कि स्कूटी पे हम गए, वरना गाड़ी में गए होते तो फंसे रहते जाम में ही। क्या हालत बना दी पिताजी ने आपकी, क्यों हैं तो आगे से स्टाइल रखना था। 30 का होगा तो 15 की चार्ट या 20 की चार्ट, 20 का ये क्यों ऐसा ही होगा। दिखा दो एक बार अपने बाल। 45 ऐसा भी क्या हो गया? 45 किस चीज के हो? 45 हाँ 30 प्लस 15 सिंपल चार्ट, सिंपल चार्ट के पिंपल चार्ट के बोल रही थी मैं। 20 और 25 हाँ
ठंड गई आज मैं स्कूटी में। शिवा आजा चीज दिखानी है घर, आजा बाहर। शिवा अभी पहुंच गए हैं घर में, चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, बस थोड़ी सी वहां पे की थी पुल पे। और शिवा और सुबह अंदर है, अभी अंधेरा होने से पहले पहुंच गई, बड़ी बात है क्योंकि 2 बजे के आसपास हम गए थे और अभी 5:30 हो गए। तो पता क्या मेन तो वही हुआ, नाक का काम। क्यों जी हूँ नहीं कुछ और बोलो, मुँह से आगे बढ़ जाओ। एक बार फिर से दिखा दो आप अपना लुक, दिखाओ जरा, अच्छा लग रहा है वैसे, ऐसी बात नहीं। दिखाओ एक आ गा लिखा लगा दी कैसे लगेगी, दिखाओ जरा दिखाओ, अच्छा तो लग रहा है। इनको चाहिए थे बड़े लंबे लंबे वाल, यहाँ से खड़े हुए वाल, नहीं लंबे नहीं, ये फौजियों वाला स्टाइल हो गया क्यों, अच्छा लग रहा है जैसे, कुछ खास नहीं है अच्छा तो लग रहा है क्यों, हाँ न्यू लुक। सो क्या बोले इनको डॉक्टर ने वो बता देती हूँ, इनकी नाक की ना हड्डी बड़ी हुई है, जैसा उन्होंने समझाया वहाँ पे, तो उन्होंने बोला नाक की हड्डी बड़ी हुई है, बाकी इसका ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। अगर किसी को कुछ और पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसका जैसे कुछ और इलाज होगा या कुछ कहीं और या हिमाचल में हॉस्पिटल होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो चलिए अभी देखते हैं, कुछ दवाइयाँ वगैरह दी हैं उनको खा के, वो तो बस ड्रॉप्स वगैरह डालने को ही दिया उन्होंने, बाकी तो उन्होंने बोला कि और तो कुछ नहीं हो सकता इसका, जैसे दवाइयों से तो ट्रीट नहीं किया जा सकता, इसका उसका ऑपरेट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो हड्डी है वो इस तरह से बड़ी हुई है इनकी, एक तरफ को बड़ी हुई है। तो देखते हैं अभी, बाकी और जगह भी देखेंगे हम कहीं जा करके, वो भी ऐसा ही बोलते हैं कुछ और बोलते हैं, क्योंकि एक के भरोसे तो हम नहीं चल सकते। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना वगैरह और बहुत सारे काम हैं, बाकी काउ मिल्किंग वगैरह भी करनी है क्योंकि अभी मम्मी जी घर पर नहीं आए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।